किसानों का वहाँ बड़ा उत्पाद था और कुछ और लोगों का वहाँ उत्पाद था, और जिस उत्पाद को बड़ी कुशलता के साथ इनने हैंडल किया और जिससे रीवा राज में इनकी बहुत अच्छी छवि गई। लगभग इनका जो इनकी जो जागीर थी वो काफ़ी सुव्यवस्थित थी और सभी लोग इसमें बहुत प्यार पूर्वक रहा करते थे। रीवा महाराज के अधीन होने के नाते कोई ऐसा दृष्टांत मुझे नहीं समझ में आता जब रीवा रियासत की नज़रें इनके खिलाफ टेढ़ी हुई हो। बल्कि एक दृष्टांत छोटा सा समझ में आता है कि इन्हीं के पीढ़ी के एक राव थे, राव साहब जबरदस्त सिंह, जो अंग्रेजों की डाक छुड़ा लिया करते थे अंग्रेज शासन काल में। तो इतना दृष्टांत थोड़ा सा रीवा राज से अलग समझ में आता है। 15वीं पीढ़ी के राव प्रशांतानंद जी और रणबहादुर सिंह जी और उनके भतीजे ही लगेंगे, तो एक तरह से माना जाए ये 16वीं पीढ़ी है। 16वीं जी आ करके तत्कालीन रीवा नरेश महाराजा रामचंद्र सिंह जूदेव से मिले और उनने कहा कि छोटे भाई से युद्ध करने के बजाय मैंने त्याग का रास्ता अपनाया है और महाराज मुझे गुजर बसर के लिए कुछ दिया जाए। ये काफ़ी बड़ा एरिया था और सीधी के पश्चिम का, और यहाँ पर कुछ अराजकता और उत्पात की स्थिति थी कानून प्रशासन व्यवस्था की स्थिति को लेकर के। तो रीवा महाराज ने विक्रमादित्य सिंह को उस उत्पात को रोकने के लिए और एक सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए, कानून प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये राज दिया था। काफ़ी बड़ी जागीर थी विक्रमादित्य सिंह जी की, ये काफ़ी बड़ी जागीर थी, और जो ये पूर्व में बघाऊ से लेकर के पश्चिम में रामनगर तक और उत्तर में कैमोर से लेकर के दक्षिण में ये आपके खड्डी और सिमरिया तक का इलाका इसमें शामिल था, जो इनको 1566 में रामचंद्र सिंह जूदेव ने दिया था। कालांतर में राव विक्रमादित्य सिंह की ही पीढ़ियों ने इस पर शासन प्रशासन किया और 13वीं पीढ़ी थी राव फतेह बहादुर सिंह जी, जिनके सुपुत्र थे 14वीं पीढ़ी के राव शिव बहादुर सिंह जी, 15वीं पीढ़ी के राव प्रशांतानंद जी, रणबहादुर सिंह जी। तो इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और व्याघ्रदेव के वंशज करणदेव और कंधरदेव शंकरगढ़ कसौटा चले गए, उनकी जागीर उनको वहाँ की जागीर मिल गई। और कंधरदेव की 18वीं पीढ़ी में राजा कर्ण सिंह हुए, उनके दो पुत्र थे मेदिनी सिंह और विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह जी बड़े भाई थे और मेदिनी सिंह छोटे भाई थे। कुछ समस्याओं के चलते और जैसा कि राजतंत्र में होता है, मेदिनी सिंह ने छोटे भाई होने के बावजूद भी वहां अपना राजतिलक करा दिया, तो विक्रमादित्य सिंह ने अपने छोटे भाई से युद्ध करने के बजाय त्याग का रास्ता अपनाया और वहाँ से वो रीवा महाराज जो तत्कालीन रामचंद्र सिंह जूदेव थे उनकी रियासत में पहुँचे और उनने बताया कि महाराज मैं अपने छोटे भाई से युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को शंकरगढ़ कसौटा दे दिया है और मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे गुजर बसर के लिए कुछ दिया जाए। उस समय पर ये एक बड़ा भौगोलिक परिदृश्य था, यहाँ ये जो सीधी का पश्चिम एरिया है